आप तमाम को तमाम तर ईदें जो अभी गुज़िश्ता ईद ज़हरा और मरगे अज़ीज़ ये तमाम ईदें ये तमाम खुशियाँ अभी जो गुज़िश्ता हमने मनाई बहुत बखूबी मनाई वो तमाम खुशियाँ तमाम ईदें मुबारक हो उन तमाम तर आप तमाम के चेहरे देख करके मुझे ये शेर याद आ रहा है बतौर ख़ास ये ज़िक्र हैदर सभी चेहरों को निशा देता है जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशा देता है नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता है नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता है और अपने लब संगे दरे शाग पर मलते रहिए ये हमारे शहर के बहुत ही आला तरीन मौलाना बिलाल काजमी साहब का शेर है अल्लाह उनको सलामत रखे कि अपने लब संगे दरे शाह पमलते रहिए ये वो दर है कि जो गूंगे को जुबा देता है मुकम्मल शुरुआत कर रही हूँ तरन्नुम के अशारों से माथे पे जब नबी के पसीना चमक उठा पसीना चमक उठा वो रोशनी हुई के मदीना चमक उठा वो रोशनी हुई के मदीना चमक उठा और अपने चचा की
जो नबी का खाका बना रहे हैं। दिए जलाओ मका सजाओ रसूल को देन आ रहे हैं। और वो देखो जिब्रील, वो देखो जिब्रील कई रगाने फतह बहबल, खुशी खुशी से ऐलाने फतह बहबल। उधर अली मुस्कुरा लगे हैं, इधर नबी इधर नबी मुस्कुरा लगे वाले ये हाथ बुलंद नहीं आते, ये आते सलामत रहे, ये लंबी दाढ़ी, ऐसी दाढ़ियों पे लानत, शाबीर
ये जहमत नहीं, बाखुदा ये रहमत है, ये रहमत है, ये सबको नसीब ही नहीं है, ये हमारी हमारे नसीब है कि जो हमें ये दर नसीब है दर अहले बैत से वाबस्ता है और इस दर से मुंसलिक होकर के क्या कुछ नहीं मिलता। अभी हम सफर में यही बात कर रहे थे कि ये जिक्र ऐसा है कि इस जिक्र से दौलत, शोहरत, नाम, इज्जत, पैसा, सभी कुछ तो इस दर पे पड़ा हुआ है, हम तो सिर्फ फकीर हैं इस दर के। मौला के गुलामों के घर से ईमान की खुशबू आती है, मौला के गुलामों के घर से ईमान की खुशबू आती है, और है दर के फकीरों के तन से धनवान की खुशबू आती है, और जिस घर में खुदा की बात हो, जिस घर में नबी की बातें हो, उस घर से अबू तालिब तेरे शान की खुशबू आती है, उस घर से अबू तालिब तेरे एहसान की खुशबू आती है। दुरूद पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये समन ने मुझसे कहा भी है और फरमाइशी कलाम है कि चाहे जिक्रे नबी होके जिक्र अली, बस उसके बाद मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगी कि चाहे जिक्र, मैं समझ सकती हूँ कि आप इतनी देर से बैठे बिल्कुल, और हम ये बिल्कुल सदका है, ये बिल्कुल शहजादी ज़ैनब का सदका है, हमारी शहजादी ने ये मजलिसें कायम करी, ये सिर्फ उनका सदका है, फर्शिया ज़ा फर्शिया विला यूं कहूँ, ये उनका सदका है, और सबसे ज्यादा फर्शे अजा को, अजादारी को और अजाए विला को चलाने वाली, या यूं कहूं के आगे बढ़ाने वाली, या यूं कहूं के इसको बुलंदी पे ले जाने वाली हम औरतें ही, सबसे ज्यादा हम औरतों का ही, हम तमाम काम घर के भी फराइज अंजाम देते हैं और हम ये भी करते हैं बड़े खुलूस के साथ और बड़े जोशो खरोश के साथ, और पता नहीं है कहां से इतनी कुव्वत, ये हमारी औरतें जो होती है वो नाजुक होती है, नफीस तबीयत की होती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये फर्श विला का सदका है कि हमारे अंदर कुव्वत ना जाने कहां से आ जाती है, हमें खुद नहीं पता चलता, वरना हम घर में दो चार काम करके ऐसे पहुंच जाते हैं कि बस जैसे लगता है कि हमारे ऊपर पहाड़ टूट पड़े हैं, लेकिन हम सारे काम अंजाम देकर भी हम फर्श विला पर उसी जोशो खरोश के साथ आते हैं, उसी खुलूस के साथ आते हैं, और हम तमाम खुलूसों को इसी तरीके से बरकरार रखे मेरे मौला शहजादी, और आप तमाम की सलामती के लिए एक बार फिर से सलवार पढ़ते फिर मैं चाहे जिक्र नबी हो के जिक्र अली, वो भी सुल्तान है ये भी सुल्तान के, यकीनन क्यों ना हो मेरे मौला की क्या आजमत है, कि चाहे जिक्र नबी हो या जिक्र अली, वो भी सुल्तान है ये भी सुल्तान के, मेरे अल्लाह का, मेरे अल्लाह का, मेरे अल्लाह का दीन इस्लाम पर ये भी एहसान है, वो भी एहसान है। आप तमाम मिलजुल कर मेरे साथ ये कहें, चाहे जिक्रे नबी हो के जिक्रे अली, ये भी सुल्तान है, वो भी सुल्तान है, और तुम किताबे आपको नहीं कह रही, इशारा उधर है, वो पता नहीं किधर है, कहीं गुम है, तुम किताबे खुदा की तिलावत करो, तुम किताबे खुदा की तिलावत करो, या रुके मुर्तजा की ज़ियारत करो, या रुके मुर्तजा की ज़ियारत करो, तुम किताबे खुदा की तिलावत
जिक्र है जिक्र जिक्र दे चेहरा बनाए मैं हूँ अल्लाह का घर कहते हैं काबा मुझको, मैं हूँ अल्लाह का घर कहते हैं काबा मुझको, मेरे अल्लाह ने बख्शा गए ये रुतबा मुझको, मेरे अल्लाह ने बख्शा गए ये रुतबा मुझको, अपने हाथों से गए बतौरे खास के जुमले पे तवज्जुहात की तालिबा हूँ, अपने हाथों से गए नबियों ने बनाया मुझको, हर मुसलमान पे है लाजिम करे सजदा मुझको, हर मुसलमान पे है लाजिम करे सजदा मुझको, इस कदर बेहतर हो बाला है बाला के बाला के मुकद्दर मेरा, लोग आके लगा जाते हैं चरण मुझको, और घर तो जल्दी जल्दी बस, घर तो दुनिया में हजारों हैं मगर मैं हूँ अलग, घर तो क्यों अलग है काबा, ये काबा खुद, घर तो दुनिया में हजारों हैं मगर मैं हूँ अलग, सब झुकाते हैं मेरे सामने सर, मैं हूँ अलग, मुझ में निकला है इमामत का शजर, मैं हूँ अलग, मुझ में निकला गए इमामत का शजर, मैं हूँ अलग, सारी दुनिया में ये मैंने ही फजीलत पाई, सारी दुनिया में ये मैंने ही फजीलत पाई, मेरी आंखों
विलादत पाई। मैं हूँ अल्लाह का घर, कहते हैं काबा मुझको। और हसास शेर है कि मुझको मुझको एहसास है शबीर के गम का लोगो। मुझको अब जो बैत है, जो नतीजे हैं, बाखुदा लुत्फंदोज झूठ उठेगा। मुझको एहसास है शबीर के गम का लोगो, मैं हूँ मकरूज शदन शागे उमम का लोगो। मैं हूँ मकरूज शदन शागे उमम का लोगो। उनके सजदे के तसद्दुक से मैं, उनके सजदे के तसद्दुक से मैं चमका लोगो। उनके सजदे के तसद्दुक से मैं चमका लोगो। काले कपड़े से ढका, काले काले कपड़े से ढका, काले कपड़े से ढका मरकज़े अनवार हूँ मैं। इससे साबित है कि सरवर का आजाद अपनी तमन्ना शबरोज। लो बताता के लो बताता हूँ तुम्हें अपनी तमन्ना शबरोज। लो बताता आजादार हम सफर मिलना भी बहुत बड़ी सादत की बात है, शरफ की बात है। लो बताता हूँ तुम्हें काबा क्या कह रहा है, अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहा है। लो बताता हूँ तुम्हें अपनी तमन्ना शबरोज, लो बताता हूँ तुम्हें अपनी तमन्ना शबरोज। आएंगे पर्दे गैबत से जो मौला शबरोज, आएंगे पर्दे गैबत से जो मौला शबरोज। इस नजारे उस नजारे को भी